नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूपीएससी चैनल। दोस्तों, आप सभी को चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन से वेस्ट बंगाल के तरफ से एक आपको भर्ती आई हुई है, जो कि खाद्य विभाग भर्ती है, जिसको आपको फूड सप्लाई डिपार्टमेंट जॉब है जो 2018 के लिए, जिसमें मेल फीमेल दोनों आदमी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपका मिनिमम जो आपका एज है 18 से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए। और जो इसका जो लास्ट डेट आपको मैं बता दूं, 19 सितंबर 2018 है। मैं इसमें आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इसकी एग्ज़ाम कब होगी। ये आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा और इसकी एग्ज़ाम होगी कलकत्ता में, एग्ज़ाम होगी, इसके सेंटर बनाए गए हैं। इसमें क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, क्राइटेरिया मतलब क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये आपको सब इंस्पेक्टर की आपकी ये जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल, देख लीजिए यहाँ पे जो इसकी कम्पिटिटिव एग्जाम होगी, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट सब इंस्पेक्टर, देख लीजिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए है ये। और ये किसमें है, फूड एंड सप्लाई में है, ठीक है, जो सर्विस ग्रेड थर्ड है अंडर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल 2018 के लिए ये जो है। उसके बाद से आप इसमें देख लीजिए, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। देख लीजिए, द पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल विल होल्ड द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन द सब ऑर्डिनेट फूड एंड सप्लाई सर्विसेज ग्रेड थर्ड अंडर द फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल 2018। इसमें जो आपको है जो एग्जाम होगी, ठीक है, वो आपका देख लीजिए यहाँ पे जो है, द रिक्रूटमेंट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। यहाँ पे देख लीजिए रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद से आपका ये क्वालिफाई कर लेंगे आप, उसके आपके लिए पर्सनलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको इस दोनों को मिला करके, ये पीटी और आपका इंटरव्यू मिला करके, आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको जॉब आपकी पक्की हो जाएगी। इस तरह से इसमें एग्जाम होगी और इसमें सेंटर बनाए गए हैं, डिफरेंट सेंटर बनाए जाएंगे। जो एग्जाम होंगे वो कोलकाता में एग्जाम होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप जो लिस्ट ऑफ सेंटर देख लीजिए जो बनाए गए हैं, लिस्ट ऑफ सेंटर फॉर रिटन टेस्ट विद कोड नंबर दिया गया है, देख लीजिए कोलकाता दिया 01 जो कोड है वो कोलकाता नॉर्थ के लिए है, जो 02 है कोलकाता साउथ के लिए। इस तरह से आपको ये पूरे आपको यहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं सेंटर की, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं आपका सेंटर कहाँ जाएगा, ठीक है। अगर मानते हैं एडमिट कार्ड आती है तो आपको उसमें सेंटर कहाँ गई है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कोड से। उसके बाद से यहाँ पे जो आपका स्केल देख लीजिए, स्केल ऑफ पे, ठीक है, पीबी जो है आपको 5400 है, ठीक है, लेकिन 4500 से लेकर 25200 तक है। उसके बाद से जीपी जो आपका इसमें मिलेगा, 2600 आपको जीपी मिलेगा, बिसाइड्स डीएमए एंड एचआरए एडमिशन एज पर रूल्स। नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिए 957, जो नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख लीजिए यहाँ पे आपको 957 यानी कि 957 है। उसके बाद से आपको ऑन रिजर्व के लिए 454 है, एससी के लिए 208, एससी के लिए 58 है। इसी तरह आपको पूरे ये जो है कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। और देख लीजिए यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज आर एडमाइजेबल। जो यहाँ पे एससी एसटी और बीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है वो आपको कैंडिडेट जो है वेस्ट बंगाल के, ठीक है, उनको ही सिर्फ आपको बेनिफिट्स मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगी। बाकी जो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी, एससी एसटी एंड बीसी कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, देख लीजिए यहाँ पे अदर स्टेट, ये सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है बल्कि दूसरे स्टेट के लिए भी है, इंडिया के, ये ऑल ओवर इंडिया लेवल जॉब है, ठीक है, जो दूसरे स्टेट के भी हैं स्टूडेंट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एकदम क्लियर मेंशन किया है, द कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट, देख रहे हैं ना यहाँ पे लिखा हुआ है, तब साफ साफ लिखा हुआ है कि जो दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनको जनरल ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद से ये सारा इसमें आपको दिया हुआ है। उसके बाद से क्वालिफिकेशन देख लीजिए यहाँ पे, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया आपको होनी चाहिए और आप नेशनलाइज एज आर डिक्लेयर एलिजिबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है, वो पास आपको पास इन माध्यमिक एग्जामिनेशन ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट, या आप वहाँ कोलकाता बोर्ड से पढ़े हो माध्यमिक एग्जामिनेशन बोर्ड से, या और इसके इक्विवेलेंट के, जैसे आपको या दिल्ली बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, इस तरह से, ठीक है। और जो इसमें आपको जो है एबिलिटी टू रीड राइट स्पीक इन बंगाली नॉट रिक्वायर्ड फॉर दोज कैंडिडेट्स हुज मदर टंग इज नेपाली, मानते हैं कि जो वहाँ के जो कैंडिडेट है बंगाल के उनको लिए आपको सही सही बंगाली लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, लेकिन जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद से हाँ,
मस्ट पोजेस अ साउंड हेल्थ एंड एबिलिटी टू अंडरटेक एक्सटेंसिव टूर्स इन रूरल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या है कि आपको फील्ड वर्क है या फील्ड जॉब है, आपको कभी यहाँ कभी वहाँ आपको वेस्ट बंगाल में ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कम से कम गुड हेल्थ होना चाहिए, अच्छी है। अगर पतले हैं, दुबले हैं, कमजोर हैं, तो आप मत भरिएगा इस फॉर्म को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है गुड हेल्थ, क्योंकि फिजिकल टेस्ट भी आपका होगा, फिजिकल टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा कि कौन कितना फिट है। उसके बाद यहाँ पे एज देख लीजिए, मिनिमम 18 साल है, ठीक है, मैक्सिमम 40 साल है, और 1 जनवरी, ठीक है, 2018 पे मतलब आपका जो एज कैंडिडेट, ये आपको एज मतलब कैलकुलेट किया जाएगा इसके अनुसार। उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए बाकी जो इसमें एज रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस तरह आपको एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है 5 साल जो है फॉर SC ST के लिए एंड 3 ईयर्स फॉर BC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। उसके बाद से आप यहाँ पर देख लीजिए जो फीस है, जो कितने फीस लगेंगे इसमें, वो आपका फीस यहाँ पर देख लीजिए जो 110 रुपया फीस है, ठीक है, 110, जो आपको 1% आपको सर्विस चार्ज लगेंगे यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद से 5 रुपये, मिनिमम 5 रुपये, ठीक है, ओनली फॉर पेमेंट ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जो ये फॉर्म आपका जो है ऑनलाइन है, और जो आप जो पैसा जमा करेंगे जो इसकी 110 रुपया, वो आपका ऑनलाइन ही होगा, जो कि नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू आप मतलब पे कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उस बाद से यहाँ पर देख लीजिए, और जो ऑफलाइन जो आपको ऑफलाइन में जो है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद सर्विस चार्ज ऑफ ₹10, ठीक है, ओनली फॉर पेमेंट थ्रू बैंक काउंटर ऑफलाइन पेमेंट। उसके बाद से यहाँ पे SC ST के लिए देख लीजिए, SC ST के लिए ये आपका नील है, जीरो है, कोई फीस जमा नहीं करना है, ठीक है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो फ्री में फॉर्म भरेंगे। बाकी जो है इसका जो अप्लीकेशन बाई सबमिटेड ऑनलाइन, जो आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म को भरिएगा और सबमिट यहीं से होगा। आप सारा आपका जो पैसा जमा करना है यहीं से जमा कीजिएगा अपने डेबिट कार्ड से, और इसमें सारे यहीं सारा इसमें आपको जानकारी था। उसके बाद से यहाँ पे एक देख लीजिए लास्ट में जो है यहाँ पे आपका जो है, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका जो है जो स्टार्ट जो हुआ है इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट है स्टार्ट होने का, वो आपका 22 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी कि कल से। आज तो आपका 21 तारीख हो गया, 22 तारीख यानी कल से फॉर्म स्टार्ट होगी, और जो क्लोजिंग डेट जो है इसका, ठीक है, 18 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है, 12 बजे रात में ये ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद से जो फी जमा करने के लिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, वो उसी दिन है 18 सितंबर को। और जो ऑफलाइन मोड में देख लीजिए, क्लोजिंग डेट फॉर दी सबमिशन ऑफ फी थ्रू ऑफलाइन मोड में, वो एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया गया है 19 सितंबर तक, ठीक है, आप उससे पहले पहले 19 तारीख तक आप भर देंगे। ऑफ मोड में ऑनलाइन में आपको है 18 तक है, ठीक है। उसके बाद से आप जैसे कि आप इसको फॉर्म भर देंगे, उसके बाद से आपको एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हुआ होगा, और उसके बाद से आप उसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप अपने पास रखे रहेंगे प्रूफ के लिए। और उसके बाद से अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग इस फॉर्म से रिलेटेड, कोई कन्फ्यूजन होगी, तो आप देखिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन है। उसके बाद से आप यहाँ पर नंबर भी दिया गया, हेल्प डेस्क दिया गया, ईमेल आईडी भी है, आप यहाँ पूछ सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी मालूम हो सके ये आप फॉर्म के बारे में। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ सब्सक्राइब करने का तरीका, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं लेकिन उनको नोटिफिकेशन मिलती नहीं है, वो मतलब देख नहीं पाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना, मुझे जो राइट साइड में आपके सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ रेड कलर का, ये जो आप देख रहे हैं आपके राइट साइड में होगा, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करने होंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको 3 सेकंड बाद आपको ये एक बेल का आइकन आएगा, जो देख रहे हैं यहाँ पे बेल का आइकन, ये 3 सेकंड के बाद आएगा आपको, फिर आपको इस पर क्लिक करने हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, उसके बाद से आप हमारे चैनल का मेंबर बन जाएंगे। जो भी हम वीडियो बनाएंगे रिलेटेड टू आपको गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, चाहे SSC से रिलेटेड हो, UPSC से रिलेटेड हो, स्टेट PCS से रिलेटेड हो, रेलवे से हो, आपको बैंकिंग से रिलेटेड हो, जो भी मैं नोटिफिकेशन बनाते ले जाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।